कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित अभिनीत हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 दिवाली पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। हाल ही में इसका ट्रेलर जारी किया गया था। 3 मिनट 50 सेकंड के इस ट्रेलर को दर्शकों की शानदार प्रतिक्रिया मिली है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेन से टकराएगी। भूल भुलैया 3 का मुकाबला सिंघम अगेन से अभी से होना शुरू हो चुका है। ट्रेलर को मिले व्यूज के मामले में कार्तिक आर्यन की फिल्म ने अजय देवगन की फिल्म को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में सिंघम अगेन के ट्रेलर ने सभी प्लेटफॉर्म को कुल मिलाकर 13.8 करोड़ व्यूज के साथ नया रिकॉर्ड कायम किया था। हालांकि इस फिल्म का ये रिकॉर्ड महज 2 दिनों तक ही कायम रहा और कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया ने व्यूज के मामले में सिंघम अगेन को पीछे छोड़ दिया है। इस फिल्म ने पहले 24 घंटे में सभी प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर 15.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज बटोर डाले हैं। इस रिकॉर्ड के बाद फिल्म के अभिनेता कार्तिक आर्यन ने भी सोशल मीडिया पर अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने लिखा, शानदार प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद, ये दिवाली भूल भुलैया वाली। वहीं सिंघम अगेन की बात करें तो इस फिल्म में अजय देवगन के साथ करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह और अक्षय कुमार जैसे सितारे नजर आने वाले हैं। वहीं भूल भुलैया 3 की बात करें तो इस फ्रेंचाइजी में विद्या बालन ने 17 साल बाद वापसी की है। फिल्म में इस बार रूह बाबा का मुकाबला 2 मंजुलिका से होगा। टिकट खिड़की पर इससे पहले भूल भुलैया 2 ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। वेल, अब देखना यह है कि इन दोनों फिल्मों में से बॉक्स ऑफिस पर कौन बाजी मार ले जाएगा। लेकिन हमें तो इंतजार है दिवाली का और दिवाली के दिन इन दोनों फिल्मों के टकराव का। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे अगली वीडियो में। दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको यूं ही मिलते रहें। ओके, टाटा, बाय बाय।